हिमाचल प्रदेश में जानलेवा ब्लू व्हेल गेम के पांव पसरने और इससे जुड़े मामले सामने आने के बाद हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने चिंता जताई है और छात्रों एवं युवाओं से इस जानलेवा गेम से दूर रहने का आग्रह किया है। सोलन में ब्लू व्हेल गेम से जुड़ा मामला सामने आने के बाद ठाकुर ने जारी एक प्रेस बयान में कहा कि ये खेल जानलेवा है और देश विदेश में इससे जुड़े कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने युवाओं व बच्चों से अपील की कि इंटरनेट पर ऐसी गेमें खेलने व डाउनलोड करने से बचें जिनसे किसी टास्क के अंतर्गत आपको खुद को नुकसान पहुंचने को कहा जाता है, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। ठाकुर ने कहा कि आज के युवा एक आभासी और बहुत तेज से बदलती दुनिया के साथ कदम ताल में व्यस्त हैं, जिसका फायदा और नुकसान दोनों हैं, और इन सब के बीच युवा और उनके माता पिता के बीच हर मुद्दे पर बातचीत होना महत्वपूर्ण है। ये जरूरी है कि बच्चों और बुजुर्गों के बीच वार्ताएं हों, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के मुद्दे को सुलझाने में मददगार होती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे हमेशा से युवाओं में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि खेल ही एक माध्यम है जो सुनिश्चित करता है कि उनकी ऊर्जा और विकास सही दिशा की ओर बढ़े। इसलिए वे सभी माता पिता से आग्रह करते हैं कि वे अपने बच्चों को उनकी पसंद के खेल में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।